नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। दोस्तों आज आए हम अपनी सैलीमेट वाली कुंवारी में, अपनी माइंजा खदान। लेकिन यहाँ आके पता चला, अभी देखे यहाँ पे बन गया, अभी स्विमिंग पूल बन गया पूरा। अच्छा, वाटर पूरा पानी जमा हो चुका है। अभी पानी निकालने की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि बारिश तो अभी रुक चुकी है, लेकिन अभी ये महीना तो फुल पड़ा है अभी बारिश का। तो पहले पानी निकालेंगे। नीचे फेस बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप, वो साइड तो खड्डा पूरा दोस्तों, लेकिन ये साइड में फेस बना के रखा है। तो इसको अगर हम होल करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे ना इसको दोस्तों, तो इसको पहले पानी हमें निकालना पड़ेगा। तो आज हम खदान में आए तो यहाँ पे क्या अपना जो क्रेशर लगा हुआ है उसका मेंटेनेंस चल रहा है। दिखाता हूँ आपको उस साइड जाके, मेंटेनेंस चल रहा है। एक मिनट में आपको उस साइड से दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अपने जो का पूरा सामान खुला हुआ है इसका। दोस्तों जो अंदर का अलाइनर रहता है वो चेंज करना है। ये कौन का है दोस्तों? VSI का, जो पत्थर को ब्रीक करता है, जो 40 mm 10 mm 6 ऐसा बनाता है जो। ये व्हीलर है, ये अपनी पार्टी बैठी हुई है सब कंपनी के लोग, और ये कुछ एक इंजीनियर और हमारे वेल्डर वगैरह ऊपर लगे हुए हैं जो पूरा इसका सेटलमेंट कर रहे हैं। तो एक क्या है, लोक है अंदर, वो निकाल रहे हैं। लोक बहुत मुश्किल से निकल रहा है, उसको गर्म करके निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हमारे रिजेश वेल्डर है मेन, वे हमारे इंजीनियर साहब कंपनी के। तो ये आज इसका मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो ये देखिए साइड में दिखाता हूँ आपको, इसका लाइनर पड़ा हुआ आके गाड़ी में अभी आया है। ये जो अपने क्रैशर के बारे में कुछ जानते हैं तो वे उसी के बारे में उसको ज़्यादा पता होगा इसके बारे में। अलाइनर है ये जो अंदर लगते हैं, जो उसमें उसमें क्या बोलते हैं अपना कोण में लगते हैं दोस्तों। ये दोनों ही बहुत हैवी है, बहुत ही हैवी है दोस्तों, पूरा लोहा ही है। तो आज तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे मेंटेनेंस का ही काम चल रहा है। मशीनरी देख सकते हैं आप हमारी खड़ी, एक पोकलैन ये खड़ी है और एक वो साइड में है, और 370 भी वो साइड में खड़ी है। तीन पोकलैन है यहाँ पे, एक हैड्रा है जो अभी इसका अपना क्रेशर के काम के लिए आया हुआ है यहाँ पे। तो व्यू तो बहुत अच्छा है दोस्तों, अभी यहाँ पे हरियाली हरियाली है क्योंकि बारिश अभी बंद नहीं हुई है। तो मैं आपको ऊपर जाके थोड़ा दिखाता हूँ। ये अपना काउंटर वेट असेंबली है, इसको टाइट कर रहे हैं। तो ये जैकिंग बोल्ट है दोस्तों, इसको टाइट करेंगे तो आसानी से ऊपर आ जाएगा वो, उसके बाद ही इसका पूरा मेंटेनेंस होगा। अभी इसको गैस कटर से अपन गर्म कर रहे हैं, इसको गर्म करने के बाद ही थोड़ा थोड़ा करके ही ये ऊपर आएगा। एक बार से ऊपर नहीं आएगा ये। हमारे क्रेचर के जो ऑपरेटर है मेन, सुमन बिहार से है ये। जिला कौन सा? जिला तो अभी यही बताएगा भाई, कौन सा जिला भाई तेरा? मुजफ्फरपुर। अच्छा हाँ, ये बबलू भाई अपने। अरे जेश वेल्डर भाई, तू भी अपनी शक्ल दिखा दे इधर यार कैमरे में। तो पूरी टीम आज अपनी यहीं पे है दोस्तों। एक दिन में तो नहीं होगा दोस्तों, कम से कम 2 से 3 दिन लग जाएगा पूरा ही मेंटेनेंस करने के लिए क्रेशर का, क्योंकि दो क्रेशर अपने पास, जो क्रेशर, ये क्रेशर अपना प्लांट पे है, कैंप है जो हमारा बेस कैंप है जहाँ पे। तो भाई ये अपना कौन मेंटल पूरा ही लोहे का दोस्तों, कितना हैवी होगा ये देख सकते हैं आप। आपने देखा होगा दोस्तों लट्टू, एक अपना रहता है ना जो एक लट्टू, एक रस्सी बांधते हैं जिसको घुमाते हैं, सेम चीज़ है बस, सेम लट्टू की शेप में ही है पूरा। ये कौन मेटल है जो पूरा ऐसा अपना अंदा इसमें कौन में लगता है ये, और इसी का वाइब्रेशन होकर यही मतलब घूमता है, जो इससे ही अपना पत्थर टूटता है। तो आज वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, इतना ही वीडियो में। तो मिलते हैं ऐसे कोई आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। बार और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे ऐसी कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।